स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट एक्सपीरियंस विद यू पर। तो आज हम ड्रॉ करेंगे सेकंड पार्ट KGF 2 का, और इसमें पूरी ड्राइंग करेंगे। एंड आपको बता दूं कि ये ड्राइंग मैंने चारकोल मिक्स ग्रेफाइट से बनाई है, और ज़्यादा से ज़्यादा 80% करीबन मैंने चारकोल का यूज़ किया है इसमें। खाली फेस में मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की है, और पूरा फेस का चारकोल से पूरा बॉडी। तो अरे देखते हैं मैं कैसे बना रहा हूँ इसको, और थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा भी, और ये ट्यूटोरियल तो नहीं है, मैं बताऊँगा तो आप देखिए इसको। तो पिछले वीडियो में तो फेस हमारा आधा पूरा हो गया था, तो थोड़ा बहुत बचा था, तो मैंने एक दो शेडिंग और कर करके इसको पूरा कर दिया, और बियर्ड भी मैंने इसी तरीके से ड्रॉ करी अप्लाई करके। एंड अब बचा इसका हैमर और शर्ट का पार्ट। तो हैमर को हम ड्रॉ करते हैं पहले, उसके बाद शर्ट को उसकी ड्रॉ करेंगे। पूरा ग्रेफाइट से तो नहीं, लेकिन चारकोल हमने इतना यूज़ किया कि पूरे शर्ट को हमने चारकोल से ही बनाया है। एंड चारकोल काफ़ी जल्दी फैलता भी है और ड्रॉ भी जल्दी होता है उससे, तो चारकोल के फ़ायदे भी काफ़ी हैं। तो हैमर में मैंने फर्स्ट शेडिंग करी HB पेंसिल से, फिर उसके बाद मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया और उससे डार्क शेडिंग करी, फिर उसके बाद मैंने चारकोल से शेडिंग करी जिससे काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था, फिर उसके बाद छोटे छोटे डॉट्स और जो जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें वो दिखाई उस हाईलाइट इरेज़र के मदद से। तो क्योंकि काफ़ी सिलवटों से भरा हुआ था, तो सिलवटें ड्रॉ करने के लिए मैंने पूरा ही चारकोल का यूज़ किया है, चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। तो धीरे धीरे मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ करी और ज़्यादा ब्लेंड किया, ब्लेंडर का यूज़ ज़्यादा किया मैंने इसमें, क्योंकि जो चारकोल का फैलने का जो स्टाइल होता है वो ब्लेंडर से ही हो सकता है, और ज़्यादा सॉफ्ट रुई हुई से नहीं होता है। तो ब्लेंडर से फैलाने का अच्छा काम हुआ कि शर्ट को और शर्ट बनाने का, तो शर्ट में ज़्यादा डार्क करने को ही एक्स्ट्रा प्रेशर यूज़ किया उसमें, एंड ज़्यादा प्रेशर यूज़ कर करके उसको लाइट टू डार्क मैंने शेड किया। तो शेडिंग में लेयर बाय लेयर ही करी, शेडिंग का करने का टेक्निक चारकोल में भी वही है कि आप लेयर बाय, अगर आप चारकोल यूज़ करते हैं तो चारकोल की लेयर लगाने के बाद उसको ब्लेंड ज़रूर करें, क्योंकि मैं चारकोल की जो भी शेडिंग लगाता हूँ फिर उसको उसके बाद ब्लेंड कर देता हूँ, शेडिंग लगाता हूँ उसकी ब्लेंड कर देता हूँ। तो अगर ज़्यादा रफ़ टेक्सचर है तो आप ऐसा ना करें तो ठीक ही है, लेकिन ज़्यादा स्मूथ टेक्सचरों में तो करना पड़ता है, क्योंकि चारकोल फैलाने के लिए ये टेक्निक चाहिए पड़ती है। तो सिलवटे लाने के लिए आपको लाइट एंड डार्क को समझना पड़ेगा उसमें, सिलवटे जहाँ को ज़्यादा उठी होंगी तो वहाँ को ज़्यादा, वहाँ को ज़्यादा ब्राइट होगा, एंड जहाँ पर को गहरा होगा वहाँ पर को ज़्यादा डार्क होगा। तो इस तरीके से आपने लाइट टू डार्क शेड करना है, और जहाँ पर को डार्क है वहाँ पर को डार्क, जहाँ पर को लाइट है वहाँ पर को लाइट करना है, और जहाँ पर को ज़्यादा हाईलाइट है तो इरेजर की मदद से आपने हाईलाइट करना है। और हाँ, एक चीज़ ये और भी यूज़ करता हूँ मैं चारकोल पाउडर का, चारकोल में से मैं उसको खरोच खरोच के उसमें से थोड़ा बहुत पाउडर उसका निकालता हूँ और रुई से उसको पूरा फैला देता हूँ, और इससे क्या है आपका काम जो है जल्दी हो जाता है, और फिर उसके बाद आप शेड कर सकते हैं उसमें, लाइट टू डार्क शेड कर सकते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा डार्क होता है मैं वहाँ पर यही टेक्निक का यूज़ करता हूँ, चारकोल का पाउडर जो है खरोच खरोच के उसमें से निकाल के उसमें ऐड करता हूँ। तो और एक बात और थी कि मैं चारकोल की एक ही पेंसिल यूज़ करता हूँ, जो कि है सॉफ्ट चारकोल कैमलिन का, जिसकी ऊपर एक ब्लू कलर की पट्टी लगी रहती है, तो वही वाला मैं कैमलिन का चारकोल पेंसिल यूज़ करता हूँ। 15 रुपये का मार्केट में ये अवेलेबल होता है, और इसी से ही मैं लाइट टू डार्क शेड करता हूँ, ये कितना भी डार्क हो सकता है आप देख रहे होंगे, सिर्फ एक पेंसिल का, एक चारकोल पेंसिल का यूज़ करके मैं ड्रॉ करता हूँ।
और एक फैक्ट और है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि चारकोल पेंसिल को छीलना, आपने शार्प करना उसको, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चारकोल पेंसिल को शार्प करने में। और अगर उसको शार्प करना है तो आपने ब्लेड से ही शार्प करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कटर से करते हैं तो शार्पनर अच्छे से शार्प नहीं कर पाएगा उसको, और पेंसिल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो अपनी चारकोल पेंसिल को अपने ब्लेड से शार्प करना चाहिए। तो लगभग शर्ट का भी पोर्शन कर लिया है एंड थोड़ा बहुत हाथों की ओर का शर्ट थोड़ा बचा है, और इसको भी मैं पूरा ही कर लेता हूँ। इसमें भी मैं धीरे धीरे डार्क पेंसिल को लगाऊंगा, एकदम से चारकोल पेंसिल को डार्क नहीं कर दूंगा। इसमें थोड़ा सा भी प्रेशर अप्लाई करने पर चारकोल पेंसिल क्या होता है, ज़्यादा डार्क नहीं होता है। धीरे धीरे उनके हाथों से आप, मैं फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर करके उसकी लगाऊंगा, एंड जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे फटक से मैं डार्क कर दूंगा। एंड अब इसका स्टार्ट करेंगे फिर हम इसका बैकग्राउंड शेडिंग। बैकग्राउंड में क्या भी पेंसिल या 6B पेंसिल का पूरे बैकग्राउंड में एक ही बार में शेड कर देता हूँ, कि मैंने क्या किया 4B को यूज़ किया और पूरा बैकग्राउंड एक बार में मैंने शेड कर दिया। फिर उसके बाद जो है इसमें धूल वाला टाइप का मैंने धूल के छोटे छोटे बादल टाइप के बनाए और उससे बैकग्राउंड क्रिएट किया। और बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद ये हो गया है पूरा एंड, थोड़ा बहुत हाथ का पोर्शन बचा है वो भी कर लेते हैं। तो इतना सब बनाने के बाद पूरा, और वीडियो कैसा लगा और ड्राइंग कैसा लगा मुझे कमेंट पे बताएं, एंड आप लोग मेरे से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।